वेलकम बैक गाइस टू अवर न्यू वीडियो। सो आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आप सभी लोगों की ना बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर आप हमारे को रेजिडेंशियल तो दिखाते हो लेकिन कमर्शियल ज़रूर दिखाइए। बहुत सारे लोगों की हमारे को क्वेरीज आई थी, तो वो क्वेरी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको बहुत ही शानदार लोकेशन के ऊपर लेके आया हूँ जहाँ पर आपके कमर्शियल रहेंगे। सबसे पहले तो मैं लोकेशन क्लियर करना चाहूँगा, ये PR7 रोड है जी आपकी। आप देख सकते हैं 24 आवर्स यहाँ पे जो है आपका चल रहा है जी। ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर मैं खड़ा हूँ जी। हाईवे से आपकी जो है कमर्शियल की एंट्री रहेगी जी। आप मेरे बैक साइड पे देख ही रहे हैं जी आप कमर्शियल। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये रहेगी कि ये जो कमर्शियल हैं आपके प्रॉपर आपको जो है विद इन 2 या 3 मंथ्स में आपको जो है इसकी पोजेशन मिल जाएगी। एक तरीके से आप लगा के चल सकते हैं कि रेडी टू मूव आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही है। मोस्टली क्या होता है कि कईयों की 2-2, 3-3, 4 साल जो है वहाँ पे उनकी पोजेशन है, तो ऐसे में जो है इन्वेस्टर डरता है, लोग डरते हैं कि यार हम पैसा लगाएंगे हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं। सो ये आपका रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहेगा जी। यहाँ पे आपके आप देख सकते हो 4 मंजिल आपके यहाँ पे कमर्शियल रहेगा जी। लोअर ग्राउंड रहेगा, फर्स्ट सेकेंड फ्लोर तक आपके जो है शोरूम्स रहेंगे यहाँ पे। इसके मैं बेनिफिट्स बताता हूँ कमर्शियल के। सबसे पहले तो जो है आपको बेसमेंट में यहाँ पे पार्किंग रहेगी आपकी गाड़ियों की। आप ये जो सारी देख रहे हैं यहाँ पे आपकी प्रॉपर 100 फीट की यहाँ पे पार्किंग रहेगी आपके कमर्शियल्स के लिए स्पेशली। इसके साथ ही जो है इसका रेजिडेंशियल आ जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे आपको शोरूम्स मिलेंगे, ऑफिस स्पेसेस मिलेंगी, फुली फर्निश्ड का यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। जो आपको ऑफिस स्पेस है वो फुली फर्निश्ड रहेंगी यहाँ पे। मैं आपको और नज़दीक लेके जाना चाहूँगा, आपको दिखाता हूँ मैं कि आपके जो यहाँ पे कमर्शियल्स हैं वो रेडी टू मूव इन है। आपको हार्डली जो है 2 या 3 महीने में इसके जो है पोजेशन मिल जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर आपकी लिफ्ट लगी हुई है काम जोरों शोरों पे यहाँ पे जी। आपका बेसमेंट में आपकी पार्किंग थी, लोअर ग्राउंड आपका जो ग्राउंड हो गया फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक जो है आपके प्रॉपर यहाँ पे शोरूम रहेंगे जिसमें आपके ब्रांड रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न क्या आएगा, बेसिकली यही होता है इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पे आपको जो है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही आप पैसा करते हैं तो आपको जो है एश्योर्ड रेंटल आएगा। सबसे बड़ी बात यह है अगर मैं यहाँ पे रेंटल की बात करूँ, मिनिमम रेंटल 32,000 रुपये से स्टार्ट होता है एश्योर्ड रेंटल। आपका लीज़ किया जाएगा 9 साल के लिए, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा आपका, और 32,000 रुपये मिनिमम है। मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक आपको जो है एश्योर्ड रेंटल यहाँ पर आएगा। सो ये आपने लोकेशन देख ही ली है जी। अब मैं आपको जो है एक ऑफिस स्पेस का दिखा देता हूँ। एक बारी मैं आपको ना पढ़ के बता देता हूँ कि आपको साइजेस क्या मिलने वाले हैं। 15x81 का आपका शोरूम रहेगा जी, 15x75 का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमारे जो हैं छोटे शोरूम भी आ जाते हैं, 855 स्क्वेयर फिट में आ जाएगा। बाकी ऑफिस स्पेसेस आ जाती हैं, इसमें आपकी प्रॉपर लिफ्ट रहेगी, पावर बैकअप रहेगा आपका, फायर फाइटिंग सिस्टम रहेगा, पार्किंग प्रॉपर रहेगी जी। अब मैं आपको जो है एक जो फुली फर्निश्ड है जिसका रेंटल आपको 32,000 रुपये आना है, 57 लाख उसका जो है प्राइस रहेगा फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस का। अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुँच चुका हूँ, आपको जो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलने वाली है आपको एक्चुअल दिखाऊंगा कि कैसे आपकी जो प्रॉपर्टी रहेगी। ऑफिस स्पेस दिखा रहा हूँ आपको मैं, जैसे आपका जो फुली फर्निश्ड रहेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है इतना वाइड कॉरिडोर मिल जाएगा आपका ऑफिस स्पेस के आगे, या शोरूम के आगे भी आपको इतना रहेगा जी। ऐसे आपका ग्लास से तैयार किया होगा। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सो अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ अपने ऑफिस स्पेस में। ऑफिस स्पेस में आप देख सकते हैं एक्चुअल आपको जो है यहाँ पे मिलेगा जी आपका ऑफिस स्पेस। एंटर करते सारी सबसे पहले तो आपका जो है रिसेप्शन एरिया आएगा यहाँ पे, जो हम आपको एज इट इज़ दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कोई भी वर्क करते हैं तो रिसेप्शन एरिया आपका यहाँ पे रहेगा। आपके जो भी क्लाइंट्स आएंगे जिनको भी ये लीज आउट होना है तो उनके लिए हमने यहाँ पे जो है सिटिंग दी हुई है प्रॉपर, सेम टेबल सेम आपको सोफ़ा जो भी आप देख रहे हैं ऐसा प्रॉपर रहेगा जी। आपको यहाँ पे जो फॉल सीलिंग देख रहे हैं सेम एज इट इज़ मिलेगी, सिर्फ ये फैंसी लाइट और ये जो रिसेप्शन के बैक साइड के एरिया जो ये वॉल देख रहे हैं ये नहीं आपकी रहेगी। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप इजीली करवा सकते हैं। सो ये आपका जो है विजिटर के लिए सिटिंग एरिया हो गया जी। इसके साथ ही जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। सो यहाँ पे आपके 3 वर्किंग स्टेशंस आ गए, इजीली जो है सेम आपको एज इट इज़ मिलेगा। 3 यहाँ पे आपके जो है वर्किंग एम्प्लॉयज़ बैठ जाएंगे, उनके लिए प्रॉपर जो है यहाँ पे कैबिनेट स्पेस दी गई है अपनी फाइल्स को कैरी करना या डॉक्यूमेंट्स को, जो भी वर्क करेगा यहाँ पे उनके जो है ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे रखे जाएंगे आपके प्रॉपर। सो यहाँ पे आपको जो है स्पेस मिल जाती है इधर उधर, जैसे कई बार रश हो जाता है तो प्रॉपर आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगी। यहाँ पे आपका जो है कैबिन दे रहे हैं हम, जो आपके मेन यहाँ के हेड रहेंगे उनके लिए सेम एज इट इज सिटिंग दे रहे हैं।
टेबल रहेगा, 3 चेयर्स रहेंगी उनके लिए। ये जो सोफ़ा सेट है आप सेम देख रहे हैं, ग्लास पार्टीशन एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिलेगा जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं कैबिनेट, ये नहीं है कि टेबल बना के दे रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे आपके जो हैं कैबिनेट्स रहेंगे, ये आपको तैयार करके दे रहे हैं हम यहाँ पे। इजीली आप देख सकते हैं, अच्छी स्पेस आपकी यहाँ पे रहेगी। सो ये आपका मेन हेड का यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे पेंट्री एरिया रहेगा जहाँ पे आने वाले विजिटर्स के लिए आपकी चाय कॉफ़ी वगैरह पानी वगैरह तो अच्छी स्पेस के साथ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके साथ ही जो है आपका अटैच वॉशरूम बहुत ही स्पेशियस, यहाँ पे हम वॉशरूम दे रहे हैं प्रॉपर आपकी जो है यहाँ पे फीट की बालकोनी रहेगी। अगर आप टॉप फ्लोर पे लेते हैं तो 5 फीट आपकी जो है वाइड बालकोनी रहे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मेन आपका एयरपोर्ट है वो यहाँ से उसकी जो ड्राइव है ना सिर्फ 7 मिनट्स की है एग्जैक्ट ड्राइव, आप आके चेक भी कर सकते हैं। एक तो बेनिफिट है आपका ये हो गया, PR7 रोड के ऊपर आपका ये रहेगा। और ये वीडियो अब आपको कैसी लगी आप मेरे को अपने ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं इस वीडियो को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी डिमांड के ऊपर हमने बनाई है। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, 57 लाख रुपीज़ में आपको जो एश्योर्ड रेंटल आ रहा है ना वो आपको 32,000 रुपये आ रहा है जी। सो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एश्योर्ड रेंटल है वो जैसे 9 साल के लिए आपका ये लीजिंग रहेगा यहाँ पे, और 32,000 रुपये आपको जो है यहाँ पे रेंट आएगा, 3 साल का आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। और जो आपके शोरूम्स है वहाँ पे जो हैं आपके प्रॉपर ब्रांड्स आ चुके हैं जिनको आपकी लीजिंग की जाएगी। आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि आपके कौन से ब्रांड यहाँ पे आए हुए हैं, सो जिसमें आपको जो है आपकी रेंटल इनकम यहाँ पे मिलेगी। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह आपसे विदा लेना चाहूँगा, मिलता हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। टिल देन।